जय माता दी भक्तों, आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परमपद की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग का निवारण होता है। माँ का पूजा मंत्र है, जाप मंत्र भी कह सकते हैं या बीज मंत्र भी आप इसे कहें, एम ह्रीम दिव्याय नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। इनका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा देवी को कहते हैं कि इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा भी कहा जाता है। यही माता सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति हैं। इनकी सभी भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। एक हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। माता कुष्मांडा देवी का वाहन है सिंह। इन्हें कुमलहड़े या कद्दू की बलि प्रिय है। देवी कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है, जिससे इनका शरीर सूर्य के समान ही कांतिमय है। इन्हीं के प्रभाव से दसों दिशाएं प्रकाशमान हैं। माता कुष्मांडा की पवित्र मन से आराधना करने से रोग और शोक का नाश होता है, आयु बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र में माँ कुष्मांडा की पूजा किस तरह से की जाए? प्रातः स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा की रूप में पूजा करें। माता को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या फिर गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग वस्त्र के वस्त्र पहनकर करें तो बहुत शुभ होता है। इससे आपके समस्त रोग और दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हड़े यानी पेठे के फल की बलि भी दी जाती है। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हंडा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। आज मैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुना रही हूँ। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, जब चारों तरफ अंधकार अंधकार था, उस समय माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हास्य से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। माँ कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है जो असहाय गर्मी को भी सहन करती है। इसीलिए माँ कुष्मांडा की पूजा से जीवन में सभी प्रकार की शक्तियाँ और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अष्ट भुजाएं वाली है, सिंह की सवारी करती हैं। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित होता है, जिसके कारण उनका स्वरूप बहुत उज्जवल लगता है। माँ के हाथों में
क्रमशः कमंडल, माला, धनुष बाण, कमल चक्र और गदा रहता है। भक्तों, आज मैंने आपको माँ के चौथे स्वरूप की कथा सुनाई है, उनके बीज मंत्र स्वरूप और उनके पूजा का विधान बताया है। कल मैं आपको माँ के पांचवें रूप की कथा सुनाऊंगी। माँ का पांचवा रूप है देवी स्कंद माता का। तब तक के लिए जय माता दी भक्तों, जय माता दी।